बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा चैनल आवाज़ बनने जा रहा है माँ बच्चा प्रोग्राम के तहत तकरीबन 6000 सरकारी मुलाजमीन की, जो कि पिछले 5 माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। दोस्तों, अगर मुल्क में कोरोना जैसी आफत हो, बेरोज़गारी की इंतहा हो और महंगाई का तूफ़ान हो, और फिर आपसे काम ले लिया जाए और काम के बस पैसे ना दिए जाएं, तो कैसे वो अपने घर को चला सकेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे और घर का चूल्हा कैसे जलेगा। इस्लाम में मजदूर की मजदूरी ज़रूरी है कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको अदा कर दी जाए, और बहसीयत मुसलमान हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। इसलिए पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर खजाना पंजाब, वज़ीर सेहत पंजाब से पुरजोर अपील की जाती है कि इन तमाम मुलाजमीन के साथ इंसाफ किया जाए और इनके तमाम जो बकाया जात हैं, जो कि अभी तक उनको अदा नहीं किया गया, उनको फौरी तौर पर अदा किया जाए। नाज़रीन, अगर बात की जाए इस प्रोग्राम की, तो मेटरनल न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का आगाज़ 2007 में हुआ है, जिसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि उस दौरान इसमें भर्ती हुए, उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी और माँ और बच्चे की बढ़ती हुई शरह अमवात को भी कम किया और उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। हुकूमत पंजाब ने इसका एतराफ़ करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने इसका दायरा कार वसी किया और एक नया प्रोग्राम एंटी ग्रैंड मेटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया, जो कि पंजाब भर में सेहत के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें शामिल बुनियादी मरकज़ सेहत जो कि हफ्ते में 24 घंटे खुले होते हैं 1039 हैं, रूरल हेल्थ सेंटर 314 और शदीद गजाई कमी के शिकार बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आल पंजाब, इलाज मुआलजा के सेंटर 58 हैं और गजाई कमी के शिकार बच्चों के इलाज मुआलजा के सेंटर 1755 हैं। इन मराकज सेहत पर काम करने वाले तकरीबन 6000 मुलाजमीन, जिनमें मॉनिटरिंग ऑफिसर, लेडी हेल्थ विजिटर, अकाउंट्स असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और आया शामिल हैं, ये मुलाजमीन एक अरसा से इंतहाई अजियत, परेशानी और महरूमी का शिकार हैं। उनके ये मसाइल आपकी खसूसी शफकत के तलबगार हैं। पंजाब भर के तकरीबन 6000 ये मुलाजमीन, जिनमें शामिल प्रोफेशनल ऑफिस के 27 मुलाजमीन, जून 2021 से ताहाल तनख्वाहों से महरूम हैं और इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। 4000 लेडी हेल्थ विजिटर्स आया कि SNE मंजूर हो चुकी है, जबकि बाकी कैडर जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, मॉनिटरिंग ऑफिसर, लेडी हेल्थ विजिटर्स, ब्राय रूरल हेल्थ सेंटर पंजाब, अकाउंट्स असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की SNE ताहाल मंजूर ना हो सकी है, जो कि फिनांस डिपार्टमेंट में अभी तक जेरे इल्तवा है। इस प्रोग्राम के 233 मुलाजमीन साल 2017 से रेगुलर भी हो चुके हैं, जबकि बाकी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन अभी उनके इस्तेहकाक है और उनको रेगुलर करना करीने इंसाफ होगा। जनाबे वाला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, ये मुलाजमीन पंजाब भर के दूर दराज पसमानदा इलाकों में 24 घंटे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। उनकी सख्त ड्यूटी का दौरानिया, तनख्वाहों का बरवक्त ना मिलना और रेगुलर ना होना जैसा बेशुमार मसाइल से दो चार हैं। 5 माह से तनख्वाहों का ना मिलना, PC1 की तब्दीली और SNE की मंजूरी ना होना जैसे दफ्तरी कोरक धंधों ने मुलाजमीन को जहनी मरीज बनाकर रख दिया है। इसलिए हम अपने चैनल के तवसत से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सेहत को पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें, जो कि पिछले 5 माह से बंद हैं, उनको फिलफौर बहाल किया जाए और तमाम जो अदायगी है बकाया जात समेत उनको अदा किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि उन सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें बंद हैं, उनके घर में भी चूल्हे जल सकें, उनके बच्चे भी पढ़ाई को जारी रख सकें, तो इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी ये आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुंच सके और उनको फिलफौर उनकी तनख्वाहों की अदायगी हो सके। तो ये थी हमारी आज की जो एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।